इंसान को अल्लाह तबारक ने जो ख़ूसियात अदा की हैं उसमें ख़ास तौर पर ज़ुबान और बयान की खसूसियत बहुत अहम है शेख सादी ताला ला फरमाते हैं ता मर्द सुखन न गुफ्ता बाशत ऐबो न हुफ्ता बाशत जब तक आदमी बात नहीं करता उसकी अच्छाई भी छुपी रहती है बुराई भी छुपी रहती है। इंसान अपने कलाम से अपनी बात से समझ में आ जाता है कि किस कैटेगरी का है किस लेवल का है उसकी गुफ्तगू के आदाब उसकी हकीकत बताते हैं बल्कि यहाँ तक के उसके नसब का भी पता लगा लिया जाता है और उसकी तरबियत का भी अंदाज़ा हो जाता है हज़रत लकमान हकीम से पूछा गया नेकी किस नाम है तो आपने फरमाया दो चीज़ें और बहुत छोटी हैं नेकी दो चीज़ें हैं जो बहुत छोटी हैं कहा क्या है कहा कि मुलाकात में लोग अपने भाइयों से मुस्कुराना और नरम गुफ्तु करना सारी नेकियों की जड़ है ये नरम गुफ्तु करना और लोगों से खंदा पेशानी के साथ मुस्कुरा कर मुलाकात करना लेकिन मेरे अजीज़ों ये दो चीज़ें बनावटी तो बहुत सारे लोगों के साथ आ सकती हैं अखलाक तसन्नो जिसको कहते हैं तकल्लुफ़ के साथ बहुत सारे लोगों के साथ आ सकती हैं लेकिन हकीकत में जिस इंसान की तबीयत में ये दो चीज़ें होनी चाहिए वो कब समझ में आती हैं उस वक्त मौला अली करम्ल करीब ने फरमाया किसी इंसान को उसकी हकीकत देखना हो तो ग़ुस्से के आलम में उसे देखो वो अपने आपे से बाहर होता है या अपने मिजाज के खिलाफ किस तरह बात को सुन करके तहम्ल रखता है सबसे बड़ा पहलवान वो है जिसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अपनी ज़ुबान पर काबू पा लिया वरना ये वो लम्हा है जब इंसान फट पड़ता है जो दिल के अंदर है सब कह जाता है आपको मैं बताऊँ नबी करीम वसल्लम के अजीम अखलाक के करीमा बुखारी शरीफ की हदीस है हज़ूर मस्जिद नबूी में तशरीफ़ फरमा है उस वक्त मस्जिद नबोवी आज हो सकता है आपके जहन में जो इमेज है मस्जिद नबूवी की बहुत बड़ी आलीशान मस्जिद लेकिन वो जमाने नबी में इस तरह की नहीं है कच्ची दीवारें थी ऊपर छप्पर के छत पड़े हुए थे और मट्टी की ज़मीन थी ये मस्जिद नबूवी की शक्ल उस जमाने में हज़ूरक्रम सला अपने सहाबा के साथ बैठे हैं एक देहात का रहने वाला शख्स आया एक बात याद रखें कि देहात में गाँव में रहने वालों के अखलाक और तमीज़ में बड़ा फ़र्क होता है उनके यहाँ आदाब की कमी होती है वो शख्स आया और मस्जिद नबूी में आकर हजूर सलील आलि वम से कुछ बातचीत किया और थोड़ी देर के बाद मस्जिद में ही खड़े होकर पेशाब करना शुरू किया बुखारी शरीफ में यह हदीस मौजूद है जब मस्जिद नबवी में खड़े होकर पेशाब करे तो साहबा कर सब देख करके दौड़ाने लग गए हो, खुजू पकड़ो इसको पकड़ो इसको और साहब दौड़ाते थे वो पेशाब करते हुए भागता था पूरी मस्जिद में नबी पाक वसल्लम ने फरमाया दाऊ छोड़ दो उसको कर लेने दो पेशाब कर रहा है मस्जिद में छोड़ दो उसको जब वो सहाबा इकराम हजूर का हुक्म सुनते हैं सब पीछे हट गए थोड़ी देर के बाद नबी करीम वसल्लम ने सहाबा से फरमाया पानी के डोल भर करके लाए जाए साहबा से ही मंगवाया पानी के डोल भर करके लाएगा और मस्जिद नबी के मैदान में फर्श पर बहाया गया और साफ किया गया अब वो शख्स नित ही डरा सहमा खड़ा था मेरे साथ क्या होगा पता नहीं मैंने पेशाब किया अब मुझे ये लोग कत्ल कर डालें नबी करीम सल्लाम ने करीब बुलाया और फरमाया निहायत नरम गुफ्तु के साथ हजूर फरमाते हैं ये अल्लाह का घर है यहाँ पेशाब नहीं पेशानियाँ रखी जाती हैं बस ये जुमला है बुखारी शरीफ में मौजूद है यहाँ इबादत की जाती है इतना कहकर रुखसत हो गए रुखसत कर दिया वो देहात से आया हुआ जो नौजवान था या शख्स था बाहर निकलते ही वो कल में तयबा पढ़ कर की ग़ुलामी में शामिल हुआ मैंने वो बुलंद आली अखलाक नहीं देखे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि सलम के बारे में कुरान कहता है अल्लाह की रहमत से आप लोगों के लिए नरम है इसलिए लोग आपके इर्द गिर्द लगे हुए रहते हैं रसूल, अगर आप सख्त दिल हो जाए तो फिर ये सब छट जाएंगे आपसे दूर हो जाएंगे उस रसूल के लिए जब कहा गया है कि अगर आप सख्त हो जाएं, तो लोग छोड़ करके दूर हो जाएंगे तो हमारे और आपके लिए किस कदर लहजे की पाबंदी जरूरी है हाँ अजीजा ने में वकार अपनी गुफ्तु अपने कलाम अपनी बातचीत से आप अपने सलीके बताते हैं गाली गलोच करते हुए जिनकी सुबह शामें होती हैं उनको देख करके ही पहचान में आ जाता है किस घर से यह ताल्लुक रखता है कहां इनकी तरबियत हुई है किस तरह इनके आदाब सिखाए गए इसीलिए मेरे अजीजों बच्चों को आवारा भी ना छोड़ देना कि वो अपनी जुबान गली कूचों से सीख करके जाए कल को होगा ये क्या उसकी जुबान की वजह से लोग तुम्हें तानो तशनी करेंगे इसका बाप ऐसा होगा इसलिए बच्चा ऐसा है इसकी माँ इस तरह होगी इसलिए इसकी गुफ्तगु ऐसी है क्योंकि मोस्टली ज्यादा तौर पर बच्चे अपने मां बाप के अखलाक को नकल करते हैं ट्रांसफर होती चली जाती हैं एक बार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से बाहर निकल कर जा रहे हैं तवज्जो मेरे अजीज हो अखलाक कहाँ दिखाने चाहिए और हमारी बातचीत के अंदाज हमें कहाँ होना चाहिए मैं आपको बताऊं हुजूर तशरीफ लेकर जा रहे हैं साहबा कराम खड़े थे हुज़ूर के अतराफ मदीन तैबा की एक बूढ़ी खातून जिसका जहनी तोजुन खोया हुआ है यानी वो दिमागी तौर पर डिसेबल है और वो आई जा रही थी लोग जब भी उसको देखते रास्ता काट लेते वो जिसको भी पकड़ती थी सुनाना शुरू करती थी जो मुंह में आया है बकने लग जाए और लोगों को तंग तंगी महसूस होने लगती साहबा ने देखा कि ये औरत आ रही है हुजूर की तरफ आ रही है सब ने हजूर सल्ला वसल्लम को घेर लिया उसका रास्ता रोकने के लिए अब आएगी और नबी करीम अलैहि वसल्लम के पास अगर ज़ुबान दराजी करने लग जाए पागल औरत है और बकबक बक करने लग जाए हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में कहीं कमी ना आ जाए साहबा का ये हमेशा अहतमाम रहता हजूर करम वसल्लम ने देखा तो साहबा से कहा हट जाओ उसको आने दो हट जाओ उसका रास्ता छोड़ दो साहबा ने कहा यार जहनी तो ठीक नहीं है दिमागी तौर पर वह औरत ठीक नहीं है वह आएगी और लंबी बातें करती है लायानी बातें करती है कहीं आपकी शान पाक में कोई गुस्ताखी ना हो जाए साहबा रोक रहे थे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से फरमाया हट जाओ उसका रास्ता छोड़ दो मुझे पता है पूरे मदीने में उसकी कोई नहीं सुनता मैं भी ना सुनू तो किसको सुनाएगी अगर मैं भी ना सुनू तो किसको सुनाएगी ये मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु वसल्लम के दरबार आली जाह की वो बुलंद अखलाक करीमाना की एक मिसाल है जिसको ख़ुद मेरे आका ने फरमाया बोस्तुल उतमिमा मखारीम अखलाक अजीज़ा नगराम वक़ार लोगों के आज हालात ऐसे हैं कि अच्छे लोगों के साथ अखलाक अलग दिखाए जाते हैं छोटे लोगों के साथ अखलाक अलग दिखाए जाते हैं स्टेटस का आदमी हो तो उसके साथ मिलने के तरीक़े अलग हैं और ग़रीब कोई आ जाए फ़कीर कोई आ जाए तो उससे मिलने का अंदाज़ अलग हो जाए ये ना हो ये हम सब के लिए नसीहत है इसी मुंबई की सरजमीन पर मैं आपको बताऊं एक माहिम शरीफ में बुजुर्ग हाजी साहब हुआ करते थे आज से तकरीबन दस बारह साल पहले की वो कई लोगों से एक सवाल करते थे पकड़ पकड़ करके कि मेरा एक सवाल है आप जवाब देंगे मेरा एक सवाल है कई वलमा से उन्होंने पूछा मुझसे भी उन्होंने जब मैं नया था मिस्र से पढ़ करके आया था मेरे पास आकर कहा काफी सालों से मेरे जहन में एक सवाल होता है मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कहा आप बताइए क्या है कहा मैं हजूर सरकार मुजाहिद मिलत रहत आ मुरीद हूँ हबीबुलरहमान मुजाहिद मिलत रईस आजम उड़ीसा जिनके खिदमत जलीला आज हो सकता है नई जनरेशन को ना मालूम हो उनका लकब है मुजाहिद मिल्लत, जिन्होंने सुनीत की बका के लिए अपना तन मन धन सब कुर्बान किया था वो मुजाहिद मिल्लत अजीम बुजुर्ग वली है, कामिल है। ये हाजी साहब कहते हैं कि मैं एक नॉर्मल आदमी था कड़िया था यानी घर बनाने का काम करता था जब वो मुंबई तशरीफ लाते तो दौड़ करके हर जगह से लोग मिलने आते मैं भी गया था और उस वक्त मैं जवान था हुजूर मुजाहिद मिल्लत रहमतुल्लाह लाई की बात वो बता रहे हैं कि लोग लाइन लगा करके मुसाफा कर रहे थे मिल रहे थे जब मिल रहे थे तो फिर मेरा नंबर आया मैं मिलने के लिए गया बुजुर्गों के सब हाथ चूमते हैं यह हमारे सुन्नियों के तरतरीक़ हैं उलमाए जवील एहतराम के हाथों का बोसा लेना यह मुस्तहसन है यह हमारे आदाब में से मामूलाते सुन्नत में से तो जब सब लोग उनके दस्त बोसी कर रहे थे हाथ चूम रहे थे मैं भी करीब गया और जब मेरा नंबर आया मैं हाथ चूमने के लिए गया तो उन्होंने मेरा हाथ लेकर खुद ही चूम लिया वो बुजुर्ग आली जाह वली कामिल जिनको दुनिया मुजाहिद मिल्लत कहती है मेरा हाथ उन्होंने चूम लिया और मेरे अंदर ऐसी पशीमानी थी कि मैं क्या करूं समझ में नहीं आया मैं एक मामूली सा कड़िया और कहां उनका मकाम कहां मेरा तो उसके बाद वो इस बेचैनी में रहते थे कि ऐसा क्यों किया ऐसा क्यों किया क्योंकि पूछने का मौका ही नहीं मिला एक बुजुर्ग थे उन्हीं के खलीफा थे बुजुर्ग मुजाहिद मिलत के उन्होंने इसका जवाब दिया मेरे अजीज़ों क्या बेहतरीन जवाब था हज़रत मुजाह मिलत रम्ह ये चाहते थे कि हजारों लोग हमारी तज़ीम करते हैं तो कहीं हमारे दिमाग में बादशाहत का ख्याल ना आए हम गरीब और फकीर का हाथ छूम कर अपने नफ्स की मुखालफत भी करते हैं अखलाक करीमाना दिखाने के लिए स्टेटस वालों के साथ ही नहीं गुरबा फकरा के साथ भी वो अखलाक हो नबी करीम सल्लाम के वो आदाब आज अगर आप अपना लें बहुत सारी कड़वी चीजें वैसी खत्म हो जाए आज मुंबई की सरजमीन पर सबसे बड़ा यह चैलेंज है बात करने में नौजवानों की तो आज पारे चढ़े हुए होते हैं इनसे कोई भी बात कर ले जिस तेवर में ये बात करते हैं ऐसा लगता है कि अभी लड़ाई हो जाएगी अभी झगड़ा हो जाएगा इसकी आदत सी बन गई है आपको पता है फरमाया गया अरबी का कौल है जरा यल तमुमा जरा लिसान तलवार से चाकू से दिया हुआ जख्म सूख सकता है जुबान से दिया हुआ जख्म कभी नहीं सूखता जुबान से दिया हुआ जख्म नहीं सूखता बोलने से पहले हजार बार इस बात को ख्याल होना चाहिए कि मैं जिसको बोल रहा हूं कहीं उसका दिल छलनी तो नहीं हो जाए मेरी जुबान ये होती पचास ग्राम की छोटी जुबान है लेकिन बड़े बड़े लोगों के कलेजे चीर कर रखती है बड़े बड़े लोगों के दिलों में सुराख करके कर कर रखती है जख्मी करके कर रखती है इसका इस्तेमाल इसीलिए रिवायत में मिलता है कि जब इंसान सुबह करता है तो सारे आजा हाथ पैर आँख कान नाक सारे आजा सबसे पहले जुबान से ये अर्ज करते हैं उसकी पना मांगते हैं कहते हैं आज तू सही सलामत रहेगी तो हम सब सही सलामत रहेंगे और अगर तू फिसल गई तो अजाब हम पर भी होगा जुबान बोलती है मार किसी और को पड़ती है कोई जुबान को मारता नहीं है गाली जुबान देती है लेकिन मार कभी पीठ पे पड़ती है सर पे पड़ती है हर जगह पड़ती है तो ये जुबान नबी करीम सल्ला सल्लम ने इर्शाद फरमाया मैं यजमानी मा, मा बैना नई वह माँ बहना हजूर पाक सल्लल्लाहु सल्ला फरमाते हैं जिसने दो चीज़ों की जमानत मुझे दे दी हिफाजत की मैं उसे अजमन लहुल जन्ना मैं उसको जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूँ दो चीजें क्या हैं हजूर फरमाते हैं एक दो जबड़ों के बीच में जो मौजूद जुबान है इसकी हिफाजत कर ले और दो रानों के बीच में जो शर्मगा इसकी हिफाजत कर ले ये दो चीजें जिसने बचा लिया मैं उसको जन्नत में ले जाने की जिम्मेदारी देता हूं जमानत देता हूँ इसका कितना बड़ा किरदार है ये जुबान का कितना बड़ा किरदार है और हजूर ने एक बार पकड़ करके फरमाया था जुबान को पकड़ करके कहा था ये वो जुबान है जो इंसान को जन्नत में भी ले जाती है और दो में भी ले जाती है। कलमा किससे पढ़ते हैं आप लाला ला, जुबान ही से तो पढ़ते हैं इसी कलमे ने आपको जन्नत तक पहुंचाया और काफिर जो कुफर करता है वो भी जुबान से ही करता है और जुबान उसे हमेशा की दोजख में ले जाती है इस जुबान को चलाने से पहले हजार बार सोच लें कि आज लहजों की सख्तियां बढ़ती चली गई और आपको पता है कुरान पाक में रफ्ताला ने यह फरमाया वला तक उफिन वला तनहरहुमा वालिदैन के बारे में बच्चों को क्या कहा गया उनको उफ तक ना कहो लेकिन जुबान जब खुलती है ना